नमस्कार, स्वागत है एनबीसीएन के प्राइम टाइम में आप सभी दर्शकों का। और एक फिर से परिचर्चा का भाग दो लेकर हम यहाँ पर, एक सिलसिला लगातार शुरू है इस परिचर्चा में प्राइम टाइम के। मैं फिर से स्वागत करता हूँ इमरान, जो कि हमारे एडिटर जी इन चीफ है। स्वागत है इमरान आपका। जी कल हमने बात की थी कि क्या लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, समीक्षा की थी हमने नागपुर में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों की। आज भी स्थिति बस वैसी है। जी अगर हम कल बिल्कुल की बात करें तो जहां आंकड़े कम दिखाई दिए, कल 1002 का आंकड़ा था, वहीं ये भी देखा गया कि कहीं ना टेस्ट कहीं भी टेस्टिंग भी कम थी, इसलिए वो आंकड़ा भी उस पैरामीटर पे कम था। जी लेकिन नागपुर की जो है लोक संख्या है लगभग 35 लाख, और उसके उनको संभालने के लिए अगर हम बेड्स की अगर संख्या देखें नागपुर के अस्पतालों की, तो वो है 2837, लगभग 3,000 की अगर हम बात करते हैं। 3,000, आपने भी कल मुद्दा जी उठाया था बिल्कुल कि क्या हुआ उस 5,000 बेड वाली व्यवस्था का, क्या हुआ महानगर पालिका में जो बेड की व्यवस्था है उसका, लेकिन इसका कोई जवाब अब तक तो प्रशासन की तरफ से नहीं नहीं मिला हुआ है। हालांकि जो हम बात करें तो हमारे महापौर महोदय, उन्होंने भी अपना कथन रखा था कल, उन 14 तारीख को उन्होंने जनता को संबोधित किया। तो इस तरह के हालात जो है बनते बिगड़ते जा रहे हैं, बनते क्या बिगड़ते ज्यादा जा रहे हैं, क्या कहेंगे? जी आप बिल्कुल शहर की जो स्थिति है, जिस तरह से कल महापौर संदीप जोशी ने अपना एक वीडियो वायरल करके मीडिया समक्ष अपना वीडियो रखा था, उसमें उन्होंने कहा, उन्होंने ये कबूल किया कि नागपुर की स्थिति बहुत गंभीर है। जी उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि नागपुर की स्थिति के बारे में वो बता रहे थे, शहर की स्थिति में खासतौर पर मैं दोहराना चाहूंगा, 45,000 के ऊपर पॉजिटिव हो चुके हैं, 1,500 के ऊपर जो है मृत्यु मृत्यु हो हो चुकी है चुकी नागपुर में, है। बहुत उसके सीरियस बात बाद है ये। जो नागपुर के जितने भी शासकीय रुग्णालय है उसके बारे में उन्होंने बात बात कही थी, एक उसमें गौर देने वाली बात रहेंगी कि 600 बेड मेडिकल और 600 बेड मेयो में मेयो में है ऑब्जर्व है। उसके बाद अगर आप लता बात करें मंगेशकर लता और मंगेशकर और शालिनी शालिनी मेघे। मेघे पकड़ के 400 बेड हैं और एम्स में 60 बेड की व्यवस्था की गई है। तो उसके इसका बाद मतलब इन्होंने ये भी कहा कि मेयो में 600 बेड के उपलक्ष्य में 100 लोग वहाँ पॉजिटिव, वहाँ के जो जी कर्मचारी है वो पॉजिटिव आए थे, और उसी तरह मेडिकल में भी कई लोग पॉजिटिव आए थे। उसके बाद मनपा प्रशासन में भी 200 के ऊपर लोग पॉजिटिव आए थे, और उन्होंने खेद जताया था कि कहीं ना कहीं हमारा प्रशासन कोलैप्स होने को आया है। जी इस जी ओर गौर करना चाहिए, जहां एक तरफ महापौर जी कह रहे हैं कि हमारा प्रशासन कोलैप्स होने को आ रहा है, और उसके बाद नागपुर में व्यवस्था किस प्रकार की हो रही है ये गौर देखिए, करने जी वाली जी बात बिल्कुल आपने रहेगी। सही जी बात की। महापौर महोदय ने जो दर्द बयां किया है वो अपने जी जगह पे बहुत सही है, क्योंकि एक प्रशासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो पेशेंट है, कोरोना के बढ़ते पेशेंट है, उनको उनका ध्यान रखने के लिए भी आपको मेडिकल प्रशासन से एक मैन पावर लगेगा, जी पुलिस प्रशासन से मैन पावर लगेगा, महानगर पालिका के एडमिनिस्ट्रेशन से मैन पावर लगेगा। एक साथ 200 लोगों का महानगर पालिका से कोरोना ग्रस्त होना, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। मैन पावर का एक इशू हो सकता है। मेडिकल प्रशासन में अगर आपकी सेवा करते हुए डॉक्टर, मेडिकल हॉस्पिटल कहे या मेयो कहे, वहाँ की इतनी तादाद में अगर लोग अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं, तो फिर ये कोरोना पेशेंट्स की देखभाल करने का एक अहम सवाल जो है प्रशासन के सामने और सरकार के सामने आ जाता है। और इसी अपने भाषण में उन्होंने जनता से भी आग्रह किया कि वो अपने घर से बाहर ना निकले। उन्होंने ये भी बात कही कि हमें क्या जरूरत है कि हम पानी पूरी खाने के लिए बाहर निकले, सब्जी लेने के लिए जी पूरा बिल्कुल घर का परिवार क्यों परिवार निकले। जाए। तो ये भी कुछ चीजें हैं जो हम नागरिकों ने भी इसके ऊपर में ध्यान देना चाहिए, ताकि नागपुर में बढ़ते हुए कोरोना के आंकड़ों को कहीं ना कहीं हम कम कर सके। मैं इस बात पर भी दर्शकों को का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कल के हमारे प्राइम टाइम में हमने आह्वान किया था कि दर्शक अपने विचार हमारे साथ में साझा कर सकते हैं, इसके लिए हमने हमारा नंबर भी साझा किया हुआ था। तो कुछ दर्शकों ने हमारे साथ में अपना फीडबैक दिया है। उनमें से जी एक दर्शकों का कहना है कि कम से कम 14 दिनों का जनता कर्फ्यू या विथ लॉकडाउन होना चाहिए, साथ ही 14 दिनों में घर से घर घर जाकर जो है लोगों की टेस्टिंग में टेस्टिंग होनी चाहिए, जी ताकि बिल्कुल टेस्टिंग का पैरामीटर उस तौर पर अगर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं जो है सही वक्त पर सही इलाज या एक आइडेंटिफिकेशन जो है वो कहीं ना कहीं होगा। तो 14 दिन का कर्फ्यू विथ लॉकडाउन की बात हमारे एक दर्शक ने की, हालांकि उनके मैसेज में उनका नाम उन्होंने वहां नहीं। पर जिक्र नहीं किया, सिर्फ नंबर हमारे पास में है। जैसी चर्चा का दौर चलता रहेगा, हम बाकी दर्शकों के ने भी हमारे साथ में क्या बात की वो हम दर्शकों के साथ में साझा करते रहेंगे। आप भी आपके स्क्रीन पर जो नंबर यहाँ पर दिखाया जा रहा है उस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें हमारे से बात कर सकते हैं, आपके ऑडियो मैसेज भी आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। प्राइम टाइम
के बीच में, जैसा ये हमारा रोज की ये पेशकश है प्राइम टाइम की, इसमें हम दर्शकों के विचारों को भी हम साझा करते चलेंगे। तो इस तरह की स्थिति इमरान बैठ बन रही है। जी हाँ बिल्कुल, एक दर्शक थे हमारे जिन्होंने हॉस्पिटल का भी मुद्दा उठाया था, उन्होंने कमेंट किया था जी। तो हमने हॉस्पिटलों की बात ये आगे लानी चाहिए, जो लोग अभी कोरोना कुछ सामने आ रहे हैं, बढ़ चढ़कर सामने आ रहे हैं, और कुछ लोग एक ऐसा तबका है जो हॉस्पिटल जाने से डर रहा है, वो क्यों टेस्ट कराने से डर रहा है, वो डर क्यों है, ये भी एक विषय बहुत बनता है। देखिए डर का माहौल तो कहीं ना कहीं एक हम अगर शुरुआत की बात करें तो कोरोना बीमारी से डर लगता था, अब कोरोना क्या है इससे कई लोग जो है एक समझने लगे हैं उस कोरोना को। लेकिन जो आंकड़े जब बढ़ते हैं, पहले हम दो चार आंकड़ों में घबरा जाते थे, अब आंकड़े जो है पॉजिटिव के हजारों में है, और नागपुर की अगर हम बात करें तो मरने वालों का आंकड़ा 50-45 के रेंज में है गए कुछ दिनों से। तो जब ये आंकड़ा बढ़ता हुआ है और हम आसपास में इस तरह की भयावह स्थिति देखते हैं तो ये डर का माहौल बनना स्वाभाविक है। अब हम इंडिविजुअली इसको किस तरह से लेते हैं और हम अपने आप को किस तरह से डिसिप्लिन वे में इसका सामना करना करते हैं, ये डरना जितना जरूरी है उतना ही उस डर का सामना करना, और उस डर के साथ में या तो हम डर के मर जाए या हम संघर्ष करें, हम एक ऑफेंसिव या डिफेंसिव मोड में। इसका ऑफेंसिव होना क्या है, डिफेंसिव की अगर हम बात करें तो हमें रोज सैनिटाइजेशन रखना है, हमें मास्क पहनना है, और ऑफेंसिव होना मतलब क्या, हमें एक संघर्ष करना पड़ेगा, हमें उसकी रोकथाम के लिए जितना है बाहर नहीं निकलना है, हमें लोगों के साथ में एक डिस्टेंस बना के एक फिजिकल डिस्टेंसिंग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। तो ये सारी जो है हमारे लड़ने के तरीकों को अगर हम आत्मसात करते हैं तो कहीं ना कहीं डर भी कम होता नजर आएगा। हालांकि आंकड़े कुछ अलग बयां कर रहे हैं और जो स्थिति बन रही है प्रशासन के, जैसा आपने कहा कि महापौर महोदय का जो दर था, तो कहीं ना कहीं इतने तादाद में जब आंकड़े बढ़ेंगे तो स्थिति जो है कहीं ना कहीं तो आपेक से बाहर जाएगी। जी बिल्कुल। और एक दूसरा मुद्दा हम उठाने चाह रहे थे, पिछले कई दिनों से हमें हमारे ऑफिस में कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, लोग ट्वीट कर रहे हैं, टैग कर रहे हैं अपने पोस्ट कि कई हॉस्पिटल्स हैं जो दिन जो जो इतना रेट मांग रहे हैं जी, जिस तरह से 3 दिन के रेट अगर 30,000 से 40,000 हो रहे हैं, किसी के 60,000 हो रहे हैं, किसी का बिल 3.5 लाख रुपये निकल रहा है, और इस तरह से मतलब एक लूट मचा के रखी है ऐसा कहना है लोगों का प्राइवेट हॉस्पिटलों ने। ऊपर से एक संदीप जोशी जी ने कल एक बात कही थी, कुछ लोग जो है जो जिन्हें ऑलरेडी कोरोना पॉजिटिव नहीं है अभी से उन्होंने अपने बेड रिजर्व करके रखे हैं। ये एक अहम और सीरियस मुद्दा है कि अगर ऐसे लोग अपने लिए एक बेड रिजर्व करके रखते हैं तो इस वक्त जिन लोगों को जरूरत है, हम लोगों ने कल बात कही करी थी मेडिकल प्रशासन के साथ में, तो उनके किसी एक पेशेंट को एडमिट कराने के लिए हम लोगों ने जब उनसे चर्चा की तो उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर के लिए कल रात की बात है लगभग 9-9:30 बजे की, उस वक्त उन्होंने कहा कि 72 लोग वेंटिलेटर के लिए अब इस वक्त वेटिंग पे हैं जी। अगर ये स्थिति 72 लोग अगर वेंटिलेटर के लिए वेटिंग है तो जब तक इनका नंबर आएगा, और मान लीजिए किसी कारणवश अगर अनावश्यक बेड वहां पर रिजर्व रखे हुए है तो इन लोगों की तो भगवान ही मालिक है फिर इनकी, क्योंकि जब आपको वेंटिलेटर की आवश्यकता है तो आप समझ सकते हैं कि उनकी कंडीशन किस हालत तक पहुंची होगी। हाँ, पेशेंट का अगर ऑक्सीजन लेवल 80-70 है तो आप सोचिए कि वो 78 वेटिंग तक उनका वो पेशेंट का क्या हाल होगा। ऐसी स्थिति नागपुर के हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्राइवेट हॉस्पिटल में है। जो अगर एक हमारे जो प्रेक्षक है उन्होंने हमें टैग किया है, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में जो ज़्यादा पैसे दे रहा है उन्हें वेंटिलेटर और बेड अवेलेबल मिल रहे हैं, जो लोग पहला डिपॉजिट कर रहे हैं उनको मिल रहा है, और जो लोग पहले डिपॉजिट ज़्यादा पैसे नहीं कर पा रहे हैं उन्हें बेड नहीं होने की बात प्राइवेट अस्पताल कर रहे हैं। यही रिप्लाई हमें नागपुर NMC कॉरपोरेशन के टोल फ्री नंबर पर भी मिलते हैं। हमने यही जानना चाहा तो हमने भी एक कॉल नागपुर महानगर पालिका के लैंडलाइन नंबर पे किया, तो वहाँ से हमें एक हॉस्पिटल का नाम बताया गया और हॉस्पिटल में हमने अपने प्रतिनिधि भेजे और उन्हें पूछा गया कि हमारा एक पेशेंट है और उसे वेंटिलेटर की ज़रूरत है, तो उन्होंने सीधा सीधा कहा बिल्कुल आप लेके आइए, पहले उससे पहले 50,000 रुपये आप डिपॉजिट कीजिए। तो ये कहीं ना कहीं जो है कि व्यापारीकरण भी होता हुआ नजर आ रहा है।
जी हाँ बिल्कुल, ये बात गौर करने वाली होंगी। एनएमसी हमारी एक मांग है, महानगर पालिका ने एक टीम बिठाना चाहिए, और जिस तरह से बिलिंग हो रही है बाकी हॉस्पिटल की, जिस तरह से एनएमसी ने कुछ रेट्स कुछ दिन पहले डिक्लेयर किए थे, उस हिसाब से हो रही है या नहीं हो रही है, जी ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बात होंगी। स्टार्टिंग में जिस तरह से पहले एलेक्सिस हॉस्पिटल और वोकाट हॉस्पिटल सॉरी और सेवन स्टार हॉस्पिटल सेवन की स्टार बात करें, हॉस्पिटल महानगर पालिका ने उन्हें मतलब जुर्माना ठोका था, उसके बाद ऐसी कोई कार्रवाई महानगर पालिका की ओर से दिख नहीं रही है। जब से तुकाराम मुंडे चले गए हैं उसके बाद हॉस्पिटल में कुछ इस प्रकार की कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। हम आपने चाहेंगे बिल्कुल कि बिल्कुल इसका भी एक ऑडिट होना चाहिए, इसकी भी जानकारी लेनी चाहिए कि किस पेशेंट से नियमावली के अनुसार रेट चार्ज किए गए हैं या नहीं किए गए, इसलिए महानगर पालिका ने इस और भी ध्यान एक देना चाहिए। मॉनिटरिंग जो है, बिल्कुल जिस तरह से तुकाराम मुंडे जी के जमाने में जब वो थे तो तब जो एक मॉनिटरिंग सिस्टम स्ट्रांग था, बिल्कुल उस सिस्टम को स्ट्रांग करने की मांग भी हमारे दर्शक है, उन्होंने भी अपने उन्होंने हमें टैग किया, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया कि जब तुकाराम मुंडे जी थे तो उस वक्त की लड़ाई के मायने कुछ अलग थे और अब बिल्कुल, मायने और कहीं ना कहीं एक ढिलाई जो है वो दिख बिल्कुल, रही है। या फिर महानगर पालिका ने आयुक्त साहब ने एक टोल फ्री नंबर जानना चाहिए, जहाँ रखना चाहिए स्पेशली उन पेशेंट के लिए जिन्हें बाहर की जानकारी नहीं है, हॉस्पिटल में कितने पैसे किस चीज़ के लगते हैं पता नहीं है, रेट और लिस्ट रेट लिस्ट के साथ एक नंबर ऐसा रखना चाहिए जो महानगर पालिका ने रेट लिस्ट जो शुरू की है, और वो टोल फ्री नंबर पे वो वहाँ कॉल करके ये जाने कि मुझे ये चीज़ के लिए कितने पैसे लग रहे हैं हॉस्पिटल में। ये चीज महानगर पालिका ने करनी चाहिए, जिस तरह से कोविड हॉस्पिटल बनाने के लिए हॉस्पिटल चेक करने के लिए टोल फ्री नंबर रखाया है, रेट के लिए भी एक टोल फ्री नंबर रखा जाए बिल्कुल ना। मैं तो ये ताकि कहता हूं कि एक आपने एक कांटेक्ट नंबर दिया है, जी एक बिल्कुल सेंट्रलाइज नंबर दिया हुआ है, तो हर समय वो सिस्टम अपडेट रहना चाहिए कि नागपुर में इस जोन में या नागपुर में हॉस्पिटल की जो जो है इतने बेड्स हैं, इतने बेड में से इतने ऑक्यूपाइड है, बिल्कुल इतने खाली है, ताकि होता क्या है जब हम कॉल लगाते हैं तो जो कंट्रोल रूम है, वॉर रूम जो बना जी हुआ है, वो वॉर रूम बात करता है, फिर वो पता करता है कि आपको हॉस्पिटल की जरूरत है, फिर वो हमें बोलता है कि आपको ये दूसरे नंबर पर कॉल करना है, फिर जी जब उस दूसरे नंबर पर कॉल करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल का नंबर देते हैं और वो अंदेशा जताते हैं कि शायद वहां पर आपको जगह मिल जाएगी, फिर जब हम उस हॉस्पिटल से बात करते हैं तो वहां की कहानी कुछ अलग होती है। तो ऐसा ना करते हुए ये सारा अपडेशन जो है, क्योंकि देखिए आज डिजिटाइजेशन का माहौल है, सारे कंप्यूटर सारा सिस्टम आपसे एक दूसरे से अटैच है, एक ऐसा सिस्टम बहुत जल्द बनाया जा सकता है, एक आईटी डिपार्टमेंट है आपके पास में, आईटी डिपार्टमेंट ऐसा एक ऐसा कार्यक्रम बना सकता है कि वहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन लाइव मिले कि नागपुर में इतने इतने हॉस्पिटल्स हैं, इसमें ये बेड, और लाइव बिल्कुल कि ये पेशेंट अब यहाँ पर इस बेड इस हॉस्पिटल में इतने बेड थे, इसमें से इतने ऑक्यूपाइड है, और हर क्योंकि ये सिलसिला निरंतर है, आज आप जहाँ बेड ढूंढ रहे हो तो वहीं पर बेड खाली होने का भी तो सिलसिला चल रहा है। बिल्कुल, तो ये अपडेशन आपके पास में होना चाहिए। हमारे दर्शकों ने एक अहम एक दर्शक है उन्होंने एक अहम मुद्दा भी उठाया, उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि इस वक्त कहाँ है। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि इनका मैं नाम बताना चाहूंगा, इनका नाम है हर्ष पाटिल। जी जी, हर्ष पटेल है, हर्ष पटेल। इन्होंने कहा है कि जिस तरह से इलेक्शन के समय जनप्रतिनिधि घर घर घूम के अपनी कैंपेनिंग करते हैं, तो अब क्यों नहीं ये प्रतिनिधि जन जन गली गली घूम के कोरोना के अवेयरनेस करे, लोगों को बताए कि किस तरह से बीमारी सामना है, करना है, सामना करना है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। जी हाँ, ये बात हम काफी दिनों से बीसीएन के माध्यम से हमारे डिबेट्स में भी हुई जी, थी। जी, जी। जोन जोन लेवल में हम काम क्यों नहीं करते। कल हमने जो डिबेट ली थी उसमें भी हमारे जो मेहमान थे उन्होंने भी कहा था कि जो नगर सेवक है, जो जनता के इमीडिएट प्रतिनिधि होते हैं, उनके पास में महानगर पालिका द्वारा ये इस सारी इंफॉर्मेशन का अपडेशन रहे, वो अपने प्रभाग के सभी लोगों के संपर्क में रहे, या उनके कार्यालय में कोई ऐसी व्यवस्था हो कि जहां पर लोग जाकर पूरी तरह से जो है उनको ये पता चल पाए कि क्या यहाँ पे व्यवस्था है, किस तरह से आपको हॉस्पिटल का क्या असिस्टेंस मिल सकता है, आपको महानगर पालिका की तरफ से क्या सुविधाएं मिल सकती है। इमरान, यही कि जनप्रतिनिधियों का देखिए एक सिलसिला चला था कि जब तुकाराम जी मुंडे थे तब कहीं ना कहीं उनको वो सारी प्रशासनिक चीजों से एक कोऑर्डिनेशन नहीं था, लेकिन आज तो है।
बिल्कुल। और पिछले कुछ दिन पहले जिस तरह से कोरोना जब आया था, नया नया कोरोना था, तब पूरे जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं दूर नजर आ रहे थे जी। शायद वो भी डरे थे, लॉकडाउन के समय जनप्रतिनिधि का सहयोग बहुत कम दिखा। उसके बाद जब कोरोना थोड़ा थोड़ा कम हुआ, अनलॉक की ओर हम जब बढ़ना शुरू हुए, तुकाराम मुंडे जब एक्शन मोड में आए थे, हाँ कमिश्नर आए थे, फिर उसके बाद जब जनप्रतिनिधि आगे आ रहे थे तो उनका तुकाराम मुंडे और जनप्रतिनिधियों का दोनों का बिल्कुल नहीं जम रहा था जी। बिल्कुल जनप्रतिनिधि हमें भी इसकी जानकारी दी जाए, हमें भी आगे आने दिए जाए, मगर बिल्कुल कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी यहाँ पे हमको दिखी। और आज आज एक दिन आया है, 15 सितंबर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने कहा मेरा परिवार मेरी सुरक्षा जी, ये हम एक कैंपेनिंग करेंगे। और इस कैंपेनिंग में कल उन्होंने जिला सभी राज्यों के जिलाधिकारियों से बात की और हर जिलाधिकारी और उनसे ये कैंपेनिंग जो होने वाली है वो ग्राउंड लेवल में होने वाली है, इसमें सभी पार्टियों सभी जनप्रतिनिधि ये सब मिल के आगे आके लोगों को अवेयर करेंगे, मेरी मेरी फैमिली मेरी पहली सुरक्षा जी। बिल्कुल बिल्कुल जी। और अब ये जिम्मेदारी जो है सभी जनप्रतिनिधियों ने लेनी चाहिए, चाहे वो फिर नगर सेवक हो, चाहे वो आमदार हो, चाहे वो खासदार हो, इन्होंने अपने अपने प्रभाग के लिए अपने 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 ये सारा परिवार उनका है अपने अपने प्रभाग का, तो इन सारे ने सभी लोगों ने सभी जनप्रतिनिधियों ने आपस में मिलकर अब इस स्थिति से उबरने के लिए एक एक घर में जाकर लोगों से बात करनी है और लोगों से लोगों को ढाढ़स बंधाना है और लोगों को सही दिशा में ले जाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम ये कोरोना की लड़ाई की हम अगर बात कर रहे हैं तो लड़ाई का नेतृत्व तो किसी को करना पड़ेगा, तो अब जनप्रतिनिधियों ने इस लड़ाई का नेतृत्व जरूर करना चाहिए और उन्होंने अपने अपने प्रभाग में इसका अवेयरनेस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि आज भी अगर मान लेते हैं जनता को भी महापौर महोदय ने अपने भाषण में कहा कि लोगों ने रास्तों पर नहीं उतरना चाहिए, बिल्कुल नहीं उतरना चाहिए, लेकिन इसके लिए जरूरी होता है कि आपका उनके साथ में संपर्क हो। महापौर महोदय की जी का एक वीडियो 8-10 दिन के बीच में आता है, कितने लोगों तक पहुंचता है ये अलग बात है, लेकिन आपका पर्सनल जैसा कि हमारे पटेल साहब ने जो मैसेज दिया है वो बिल्कुल ये सीधा दर्शाता है कि जिस तरह आप इलेक्शन के दौर में आप घर घर जाते हो, इस तरह से ये वक्त है कि अब आपको लोगों के घर घर जाकर उन्हें समझाना होगा, उन्हें अवेयर करना पड़ेगा और उन्हें इस लड़ाई से बचाना होगा, ये एक अहम जिम्मेदारी बिल्कुल होती है। बिल्कुल, ये तो हो गई कोरोना की बात, कुछ और भी मुद्दे जो है दिन भरे के जो है 24 घंटे में हम उस पर भी बात कर लेते हैं। उदय सामंत जो है उच्च शिक्षा और शिक्षा मंत्री नागपुर आए थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी, उन्होंने दो मुद्दे पर बात रखी। एक मुद्दा ये था कि जो फाइनल ईयर की परीक्षा सुप्रीम कोर्ट ने जहाँ निर्णय दिया है कि परीक्षा तो होनी है, बगैर परीक्षा के कोई डिग्री मिल नहीं सकती, और इसे जो विद्यार्थी वर्ग है उसमें से 90% से ज्यादा विद्यार्थियों ने हामी भरी है कि हाँ एग्जाम होनी चाहिए। अब वो हामी तो भरी है लेकिन एग्जाम लेना, एक्चुअल एग्जाम लेना या ऑनलाइन एग्जाम लेना, इस पर भी चर्चा चालू है, लेकिन एग्जाम तो अब तय है और 90% एक काफी अच्छा वर्ग हो जाता है कि वहां पर जो है अब एग्जाम होंगे, वो किस तरह से होंगे क्या होंगे उसी रूपरेखा भी जो है विद्यापीठों के माध्यम से यूनिवर्सिटीज के माध्यम से वो तय होनी है। एक और मुद्दा है जो सामंत साहब ने बताया, हालांकि वो मुद्दा अभी जो है कोर्ट के अधीनस्थ है, वो है मराठा आरक्षण का मुद्दा। इस पर भी काफी गहन चर्चा हुई, काफी संघर्ष हुआ, इसे लेकर मराठा वर्ग जो है वो रास्ते पर उतरने के लिए भी उतारू है। अपने भाषण में मुख्यमंत्री महोदय ने भी आह्वान किया था कि सरकार पूरी तरह से सारा जोर लगा रही है कि कोर्ट में ही इसका अगर फैसला होना है तो आरक्षण के पक्ष में हो, इसलिए एक टीम उन्होंने गठित की है और पूरी तरह से वो कायदा जो लीगल स्ट्रगल जो है लीगल स्ट्रगल को एक अच्छे मजबूती से लड़ने की वो कोशिश कर रही है, तो इसके भी परिणाम आने आते समय में जो है वो दिखेंगे, लेकिन इस वक्त का जो सबसे अहम मुद्दा है। एक और मुद्दा जो है इस वक्त चैनलों में छाया हुआ, हम इस पर इस वक्त तो हम बात नहीं करना चाहते क्योंकि उसके कई पहलू आगे पीछे नए नए पहलू या नए नए चित्र उसके सामने आ रहे हैं। हम सुशांत सिंह राजपूत की जो है एक मिस्ट्री हम कहेंगे, उनकी आत्महत्या या हत्या इस पर अब मिस्ट्री है, जिसके तार अब दिशा सालियन की आत्महत्या से भी जुड़े हुए नए नए तथ्य उजागर हो रहे हैं, लेकिन जो प्रायोरिटी है प्रायोरिटी आज अपनी है कि आज मेरा परिवार इस परिस्थिति में किस तरह से सुखरूप रहे, आर्थिक व्यवस्था के मजबूतीकरण के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं,
आर्थिक व्यवस्था ना बिगड़े, इसलिए लॉकडाउन के तरफ जो है सरकार इतनी ज्यादा उसे जोर नहीं दे रही है। लेकिन अगर ये आंकड़े बढ़ते रहे तो लॉकडाउन के लिए भी मजबूर होना पड़ेगा। मैं इसलिए ये भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि महानगर पालिका नागपुर की अगर हम बात करें तो नागपुर महानगर पालिका के पदाधिकारियों का भी लॉकडाउन हो इसके लिए उनका कहीं ना कहीं एक झुकाव दिख रहा है। अगर हम बात करें तो कल की जो स्टेटमेंट है जो स्थायी समिति के अध्यक्ष है पिंटू झल के, उन्होंने भी कहा है कि कहीं ना कहीं चेन को अगर तोड़ना है तो 14 दिन के लॉकडाउन की जरूरत है। दिन कम ज्यादा हो सकते हैं लेकिन स्थिति और भयावह होती गई तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन की जरूरत पड़ेगी। और जब ये लॉकडाउन होगा तो एक वर्ग ऐसा है जो सस्टेन कर लेगा लेकिन एक वर्ग ऐसा है फिर हमें वही बात करनी पड़ेगी कि जो मजदूर वर्ग है जो दिन भर में कमाते हैं और खाते हैं उनके साथ में क्या होगा। तो क्या वो ये 4 दिन या 7 दिन सक्षम हो पाएगी। इसलिए लॉकडाउन पर तो होना है या नहीं होना है या करना है या नहीं करना है जितना प्रशासन सरकार के ऊपर निर्भर है उतना हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि हम लॉकडाउन को की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ऐसे ही और चर्चा के साथ में इमरान हम हमारे दर्शकों के साथ में बात करते रहेंगे। जाते जाते एक जी। एक एक, एक आखिरी हमारे एक दर्शक है उनकी बात हम कहना चाहूंगा जी। इस दर्शक की जो बात है उन्होंने कहा है कि तुकाराम मुंडे जी की जरूरत नागपुर में है। जी जी बिल्कुल हाँ। उन्होंने कहा था इसका उन्होंने कहा किया कि था कि तुकाराम मुंडे की जरूरत नागपुर है। इनका नाम है अमित जैन। अमित जैन साहब थे, इन्होंने भी हमारे साथ में अपने विचार साझा किए हुए हैं। और हम दर्शकों से फिर से अपील करते हैं कि जो नंबर आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है मैं इमरान सर जिक्र करूंगा कोई नंबर फिर से दोहरा दे जी। नंबर है 9133005662। इस नंबर पे आप अपना मैसेज व्हाट्सअप कीजिए और कुछ सुझाव हो इस शो के बारे में तो बिल्कुल बताइए, हम आपके सुझाव में अमल करेंगे और आपकी बातें जो है लोगों तक पहुंचाएंगे। तब तक हम आपसे फिर से एक बार अनुरोध करते हैं कि आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। आत्म सुरक्षा बहुत बहुत जरूरी है। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें तभी समाज स्वस्थ रहेगा, तभी नागपुर स्वस्थ रहेगा, तभी महाराष्ट्र स्वस्थ रहेगा, तभी देश स्वस्थ रहेगा। ऐसी किसी फिर चर्चा के साथ में प्राइम टाइम लेकर हम हाजिर होंगे आपके साथ में। आप बने रहे हमारे साथ में इन विषय न्यूज पर। नमस्कार।